Hi guys, welcome or welcome back to my channel. My name is Atri and I make videos related to makeup, skincare reviews, hauls, etc. And these days I'm also making some motherhood videos and vlogs. So, if you like these things, if you like watching them, then you can subscribe to my channel. So, currently I am 39 weeks along and कभी भी मुझे hospital जाना पड़ सकता है. So, I thought of shooting a few, you know, fun videos for you all so that जब तक मैं hospital में हूँ, आप ये सारा video देख के enjoy कर सको. I'm in my, you know, home clothes, chilling, shooting this video from my front camera. क्योंकि yeah, and AC भी चल रहा है पीछे. It's too hot. So let's get started. मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख लिया है. So we are gonna, you know, tick and देखते हैं whether it's going to be what. So बताया नहीं मैंने ये video होने वाली है gender prediction पे, testing पे. Like it's fun. It's like मैंने कितने सारे videos देखे हैं gender prediction पे. Like अगर आप होने वाली mom हो, आपको बहुत रहता है कि boy होगा girl होगा, so that you can, you know, prepare accordingly. मुझे तो बहुत था shock था, but let's see क्या होता है. But till then we can do these tests and पता लगा सकते हैं कि गेस कर सकते हैं. पता तो क्या लगा सकते हैं, वी कैन गेस गाइस. क्योंकि ये सब तो ऐसे ही होता है, इस सब से कुछ नहीं होता. कई बार आप जो बोलते हैं उसका उल्टा ही हो जाता है. सो एनी विच वेज, लेट्स गेट स्टार्टेड. आई थिंक आई एम 16-17. मैंने कुछ ओल्ड वाइव्स टेल्स इंटरनेट से निकाल लिए हैं, तो देखते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले बात करते हैं क्रेविंग्स की. तो लोग बोलते हैं अगर आपको स्वीट क्रेविंग हो रही है तो इट्स गोइंग टू बी अ गर्ल, सॉल्टी हो रही है तो इट्स गोइंग टू बी अ बॉय. तो मैं आपको बता दूं तो मोस्टली मुझे स्वीट पसंद नहीं है, बट इन दिस प्रेगनेंसी आई हैव ईटन अ लॉट ऑफ स्वीट थिंग्स. स्पेशली जब मेरा 7th मंथ वाला GCT टेस्ट हो गया, तो उसके बाद से तो मैंने बहुत मीठा खाया है, बहुत मीठा खाया है. तो अकॉर्डिंग टू देम इट्स अ गर्ल, तो गर्ल को यहाँ मिल जाता है एक पॉइंट. ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉर्निंग सिकनेस की. तो मुझे मॉर्निंग सिकनेस हुई है, मुझे अभी भी कभी कभी नौजिया फील होता है. तो इनके अकॉर्डिंग अगर बॉय है तो मॉर्निंग सिकनेस आपको नहीं होगी, गर्ल है तो मॉर्निंग सिकनेस होगी. तो इट्स अगेन अ वोट फॉर गर्ल. नाउ स्लीप, इफ यू आर स्लीपिंग ऑन योर लेफ्ट दैट मीन्स इट्स अ बॉय, अगर आप राइट पे सो रहे हो इट्स अ गर्ल. सो मैं ज़्यादातर लेफ्ट पे ही सोती हूँ, क्योंकि शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि लेफ्ट पे सोना बेटर होता है एंड मुझे लेफ्ट पे ही अच्छा लगता है. सो मैं यहाँ पे बॉय को देना चाहती हूँ एक पॉइंट. सो 1 पॉइंट फॉर बॉय. नाउ नेक्स्ट इज मॉम्स फेस क्लियर और ब्रेकआउट. तो थ्रू आउट माई प्रेगनेंसी, उससे पहले भी माई स्किन वॉज ऑलवेज क्लियर एंड इन दिस प्रेगनेंसी ऑल्सो पीपल से दैट आई ग्लो. तो मेरा फेस क्लियर ही रहा है, सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू गो टूवर्ड्स बॉय. नेक्स्ट इज फुट साइज इंक्रीज और सेम. तो आई वुड से इट हैज इंक्रीज्ड वेरी वेरी माइन्यूटली. मतलब मेरा जो फीट है ना, थोड़ा हैवी होने लग गया है. तो आई डोंट नो इफ इट्स इंक्रीज और नॉट, बट साइज तो मैं वही पहनती हूँ, थोड़ा सा हैवी हुआ है. सो आई एम नॉट क्लियर व्हाट टू डू. तो चलो मैं गर्ल को ही दे देती हूँ, सेम दे देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ मेजर चेंजेस हुए नहीं है. नेक्स्ट इज हार्ट बीट. तो 140 से अगर कम होती है तो इट्स अ बॉय, 140 प्लस है तो गर्ल. सो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग 7th मंथ तक मेरा 140 अबव ही आता था. 9th मंथ मतलब 8th मंथ ऑनवर्ड्स 140 से नीचे आ रहा है. सो आई थिंक आई विल गो फॉर गर्ल, क्योंकि ज़्यादातर 140 प्लस ही आ रहा था. ठीक है, नेक्स्ट इज हेडेक. अगर बॉय है तो आपको हेडेक होगा, गर्ल है तो नहीं होगा. मुझे हेडेक बिल्कुल नहीं हुआ है, एक बार भी, एक या दो बार कभी हुआ है, वो भी बहुत ही नेग्लिजिबल. सो दिस पॉइंट इज गोइंग टू गो फॉर गर्ल. अब बात करते हैं इमोशंस की. तो चिल हो अगर आप, ठीक ठाक हो तो बॉय, मूडी हो तो गर्ल. नाउ मैं जनरली थोड़ी सी मूडी हूँ, बट प्रेगनेंसी में मैं बहुत ज़्यादा मूडी नहीं रही हूँ. आई वॉज चिल ओनली, मैं ज़्यादा मैंने रिएक्ट नहीं किया है. तो दिस इज गोइंग टू गो टू बॉय. हाँ ना, अभी आके थोड़ा सा मैं इरिटेटिंग होने लग गई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, आई जस्ट वॉन्ट द बेबी आउट. नाउ नेक्स्ट इज कैरिंग बेबी लो और हाई. तो मुझे जितने लोगों ने बोला है दे हैव टोल्ड मी दैट आई एम कैरिंग इट लो, एंड मेरा जो बेली का शेप भी है ना, वो भी थोड़ा आगे की तरफ ही पॉइंटेड है. तो बेली शेप एंड कैरिंग बेबी को लेके इट्स लो एंड पॉइंटेड. तो गोइंग फॉर अ बॉय, गोइंग फॉर द बॉय. नाउ टेम्परेचर, अगर बॉय है तो आपको कोल्ड टेम्परेचर होगा, गर्ल है तो हॉट. तो मेरा हमेशा हॉट ही रहता है, मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं रहती हूँ, एंड गर्मियाँ हैं तो वैसे ही हॉट है. तो गोइंग टू गो फॉर गर्ल. नाउ डैड वेट, बॉय है तो सेम, गर्ल है तो गेन. तो गेन तो बिल्कुल नहीं किया, थोड़ा कम ही हुआ है. सो आई थिंक मैं बॉय को दूंगी ये वाला पॉइंट. नाउ बैलेंस, क्लम्जी और ग्रेसफुल. आई एम क्लम्जी, मैं पहले भी क्लम्जी थी, अब तो मैं और ज़्यादा हो गई हूँ. तो ग्रेसफुल तो मैं बिल्कुल भी नहीं रही हूँ. सो दिस इज गोइंग टू गो फॉर बॉय. अगर बॉय है तो आप क्लम्जी होते हो. अगेन कोल्ड फीट, नो, माई फीट आर ऑलवेज ठंडा. तो गर्ल नहीं, माई फीट इज ऑलवेज गर्म, तो ये गर्ल को जाता है पॉइंट.
नाउ स्किन अगर ड्राई है तो बॉय होता है, अगर सॉफ्ट है तो गर्ल. तो गाइज मेरी स्किन दिस प्रेगनेंसी में बहुत ड्राई रही है, इवन माई लिप्स, इवन जो मेरा फेस है वो इतना ड्राई रहा है, आई मीन मेरे जो हैंड्स हैं वो इतने ड्राई रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू गिव दिस पॉइंट टू द बॉय. हेयर मोर अगर ज़्यादा है तो बॉय होता है, अगर हेयर ग्रोथ ज़्यादा है तो बॉय होता है, गर्ल होती है अगर लेस है. तो लेट मी टेल यू, मेरा हेयर ग्रोथ हुआ है एंड बाल तो मेरे बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए हैं बट बहुत लंबे हो रहे हैं, एंड बॉडी हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है मुझे. तो दिस पॉइंट इज गोइंग टू गो फॉर बॉय. एंड नेक्स्ट इज अगर आप एक्टिव हो तो इट्स अ बॉय, एक्टिव नहीं हो तो इट्स अ गर्ल. तो मैं 8th मंथ तक बहुत एक्टिव रही हूँ, घर का काम किया है, वीडियोस बनाए, आपने देखे हैं मेरे वीडियोस, मैंने वीडियोस बनाए हैं बैक टू बैक, घर का काम किया है. तो आई वाज वेरी एक्टिव. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा आई वाज नॉट फीलिंग वेल, एंड अभी 9th मंथ के एंड में मैं थोड़ा सा लेजी हो गई हूँ, बट मोस्टली आई हैव बीन एक्टिव. सो मैं यहाँ पे बॉय को यस दूंगी. ठीक है, तो अभी देखते हैं कितने बॉय के लिए हैं कितने गर्ल के लिए हैं. तो यहाँ पे 9 जो पॉइंट्स हैं वो बॉय के लिए हैं एंड 7 पॉइंट्स जो हैं वो गर्ल के लिए हैं. सो लेट्स सी. ये भी बोला था कि इंट्यूशन क्या है, तो गाइस स्टार्टिंग में मुझे गर्ल 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 ही थी, बट फिर सब देख देख के बोलने लगे नहीं तुमको तो बॉय होगा, तुमको तो बॉय होगा. लेट्स सी क्या होता है, कुछ भी हो जाएगा, इसमें को तो कुछ भी फर्क, आई विल बी हैप्पी यू नो. कुछ भी हो जाता है. और भी चीज़ें थी इसके अंदर मैंने इंक्लूड नहीं की, जैसे रिंग टेस्ट था, चाइनीज कैलेंडर था, क्योंकि मुझे उसका नहीं पता. चाइनीज कैलेंडर के अकॉर्डिंग इट वॉज अ बॉय. तो लेट्स सी क्या होता है एंड मैं आपको अपडेट करूंगी. आई होप आपको मजा आया हो इस वाले, इट्स अ वेरी फन गेम. ठीक है, एंड आप बताना अगर और भी कुछ पॉइंट्स हैं. सो Yeah, that's about it guys. I hope you guys enjoyed and aapko maza aaya ho is video mein. I will see you guys in my next video. Till then you guys take care. Bye.